अब देखिए वो सक्रिय तो नहीं है, अभी भी सक्रिय नहीं है, अभी भी बेसिकली तो देखिए क्योंकि वो परिवार की मेंबर हैं इसलिए उनको अनुमति है कि वो जेल में मुख्यमंत्री जी से मिल सकती हैं, बात कर सकती हैं। तो बेसिकली जरिया है इस वक्त वो पार्टी के लिए कि पार्टी की बात, दिल्ली की बात, ज़मीन की बात जो है अरविंद जी तक ले जाएं और वो कोई बात कहें तो उसको जो है वो हम तक ले आएं, वो एक ज़रिया है उनका। और अभी तो मतलब मुझे लगता है कि इसमें भी जो है पार्टी के लिए और हमारे समर्थकों के लिए जो है ये भी एक तरीके की जो है एक एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम इस बहाने जो है कम्युनिकेशन हो पा रहा है। सबको लगता है कि जैसे बात जब सबका सबसे कनेक्टेड तरफ नहीं, देखिए एक एल्डर फिगर तो है ही, एल्डरली फिगर हैं और क्योंकि हमेशा से घर में रही, लोग जानते हैं उनसे। कई बार जो है अरविंद जी के यहाँ विधायकों को सबको डिनर पे बुलाया जाता था, सब लोग फैमिली के साथ जाते थे तो अरविंद जी की फैमिली वहाँ पे होती थी तो सब लोग मिलते रहे हैं, जानते तो हैं ही उनको। और क्योंकि उनकी परिस्थिति इतनी विकट है कि आज उनके पति एक झूठे मामले में जेल में है और पता नहीं कब तक जेल में रखा जाएगा, तो लोगों की बहुत हमदर्दी है उनके साथ। और जब आपके साथ बहुत हमदर्दी होती है, आपकी बहुत इज्जत होती है तो आपकी बात मान ली जाती है, आपकी बात की इज्जत की जाती है, तो उस चीज़ से फर्क पड़ता है। चलिए उन्होंने जो भी लिखा, मैंने उनको दो साधारण सी बातें कही। मैंने कहा कि पिछले 1.5 महीने से अस्पतालों में दवाइयों की और कंज्यूमेबल्स की कमी है। मैं एक मंत्री के तौर पे मौखिक तौर पे सारे MSMD से मिल चुका हूँ, उन्होंने बोला कमी है। खुद मैं हेल्थ सेक्रेटरी से कई बार मिल चुका हूँ, हेल्थ सेक्रेटरी कह रहे हैं कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब आप एक बात बताइए, जब एक स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, मंत्री जी आप बेकार ही चिंता कर रहे हैं, तो मैंने LG साहब से शिकायत की क्योंकि इन अफसरों पे कार्रवाई करने का काम LG के पास ही है, ये शक्ति हमसे ये शक्ति छीन ली गई तो LG साहब इन पे कार्रवाई करें। अब LG साहब भी वही बात कह रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर स्थिति खराब है, वही मैं कह रहा हूँ।